सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने दोस्तों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि फ्लिपकार्ट की सेल खत्म हो चुकी है और काफ़ी लोगों ने दोस्तों इस सेल का भरपूर फायदा उठाया है। जी दोस्तों, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सेल से अपने लिए अच्छे ऑफर के साथ अपने लिए मोबाइल खरीदा। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने लिए एक मोबाइल खरीदना चाहते थे लेकिन दोस्तों उनके पास ऐसे कोई भी कार्ड नहीं था, तो दोस्तों इस वजह से उन्होंने अपने लिए कोई भी मोबाइल नहीं खरीदा क्योंकि दोस्तों उनको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल पा रहा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा ऑफर लेकर आया हूँ कि अगर आप अपने लिए कोई मोबाइल खरीदना चाहते हो तो आप अच्छी कीमत पर फ्लिपकार्ट से मोबाइल खरीद सकते हो। जी दोस्तों, सेल खत्म हो चुकी है फिर भी आप अपने लिए एक मोबाइल खरीद सकते हो अच्छे ऑफर के साथ। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको समझ में आ सके कि आपको क्या तरीका अपनाना है जिससे आप एक मोबाइल खरीद सको अच्छी डिस्काउंट के साथ अच्छी कीमत के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको उस ऑफर के बारे में बताता हूँ। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो में आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फ्लिपकार्ट सेल खत्म हो चुकी है और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लिए इस सेल से अच्छे अच्छे मोबाइल खरीदे हैं, लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने मोबाइल नहीं खरीद पाए हैं मैं उनको एक तरीका बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सेल खत्म हो चुकी है लेकिन अभी आप अगर कोई फ़ोन खरीदना चाहते हो तो दोस्तों अगर आप कोई फ़ोन फ्लिपकार्ट से खरीदोगे तो दोस्तों कोटक के जो डेबिट कार्ड होता है कोटक बैंक का, आपको उसके ऊपर 10% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। यानी दोस्तों अगर आप कोई 15,000 रुपये का फ़ोन खरीदोगे फ्लिपकार्ट से अभी भी तो कोटक बैंक के कार्ड पर आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है यानी कि 1500 रुपये का। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ऑफर है। अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट है तो दोस्तों आप कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट कार्ड से किसी भी मोबाइल के ऊपर 10% डिस्काउंट ले सकते हो। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट सेल के अंदर हमें SBI कार्ड के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा था लेकिन दोस्तों अभी आपको कोटक महिंद्रा बैंक के कार्ड के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है। तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ऐसी बैंक है जिसमें दोस्तों 0 बैलेंस अकाउंट खुल जाता है, तो काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनके पास कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड होगा। तो अगर आप कोई फ़ोन खरीदना चाहते हो तो आप कोटक के कार्ड से 10% डिस्काउंट ले सकते हो किसी भी मोबाइल के ऊपर। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा ऑफर है। अगर आप कोई फ़ोन खरीदना चाहते हो तो आप अभी भी फ्लिपकार्ट पर एक सेल की तरह ही अपने फ़ोन पर डिस्काउंट ले सकते हो। और दोस्तों जो लोग फ़ोन EMI पर खरीदना चाहते हैं लेकिन उनके पास बजाज कार्ड नहीं है तो दोस्तों उनके लिए मैं एक ऑफर लेकर आया हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अमेजन पर जाना है। तो दोस्तों आप वहाँ पर जो भी फ़ोन खरीदोगे तो दोस्तों आप उस फ़ोन को कोटक के डेबिट कार्ड से EMI से परचेज कर सकते हो। या दोस्तों आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, जितना पैसा आप कैश में दोगे उतना ही पैसा आपको EMI में देना है। या तो आप 6 महीने की EMI बनवाओ या फिर 12 महीने की, जो पैसा आप एक बार पेमेंट में करोगे उतना ही पैसा आप 12 महीने में दे सकते हो, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे ऑफर है फ्लिपकार्ट और अमेजन के ऊपर अभी भी। तो अगर आप कोई फ़ोन खरीदना चाहते हो तो आप फ्लिपकार्ट और अमेजन पर कोटक के कार्ड से अच्छा डिस्काउंट ले सकते हो किसी भी मोबाइल पर। दोस्तों किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, कोई सा भी मोबाइल हो, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा अगर आप EMI पर खरीदते हो तो। और दोस्तों अगर आप कैश में खरीदते हो तो आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, आपको वहाँ पर 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।